सो हे गाइस, आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी का वर्जन 1.5, यानी जब ग्रैनी में कार एस्केप आया था वो वाला वर्जन। तो प्ले करते हैं अपनी गेम और देखते हैं कि हम इस एस्केप को सक्सेसफुली कर पाते हैं या नहीं। तो मुझे कार एस्केप करना पड़ेगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कार एस्केप करने की। तो फटाफट से गेट खोल लेते हैं और पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ है या नहीं। अब मैं ग्रैनी में प्रो हो चुका हूँ तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, हम बड़ी आराम से गेम को पार कर सकते हैं। पहले हमें सारी जगह पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर हमें कॉकवील मिल चुका है, तो कॉकवील को पहले फेंक देते हैं नीचे। आई थिंक मुझे नीचे नहीं फेंकना चाहिए, मुझे वहाँ पर डाल देना चाहिए जहाँ पर ये लगेगा। तो वहीं पर चलते हैं इस कॉकवील को लगाने के लिए। और यहाँ पर तो कुछ है नहीं फिलहाल, नीचे चलते हैं फटाफट से। पहले हम कॉकवील डाल आते हैं वहाँ पर, तो कॉकवील को यहाँ पर फेंक देते हैं और अब हम वापस चलते हैं थोड़ा और सामान लेने के लिए। मुझे वेपन की मिल जाए तो भाई साहब मज़ा ही आ जाए। क्या बात होगी, अगर वेपन की मिल गई मुझे तो हम ग्रैनी को आराम से मार सकते हैं और फिर सारा काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ है। यहाँ पर हमें कार की मिल चुकी है और इस कार की को भी हम पैक कराते हैं बिकॉज हमें कार एस्केप ही करना है। तो फटाफट से यहाँ पर हम की फेंक देते हैं और ग्रैनी भी आ चुकी है नीचे, इसे फेंक दो यहाँ पर। अरे क्या बात भैया, बढ़िया, ज्यादा सटिया रही है, बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से और कुछ ढूंढ लेते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए उन डब्बों के अंदर। तो यहाँ पर मुझे ढूंढना होगा, यहाँ पर ढूंढ लेते हैं शायद मुझे कुछ मिल जाए। यहाँ पर हमें स्पेशल की मिल चुकी है और यहाँ पर शायद कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। इसके अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ है, अंदर चलो। और यहाँ पर एक टेडी है केवल, बाकी कुछ नहीं है। ओ बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई, मार दिया यार। मैं तो आराम से जा रहा था, मैं हल्के से झांक कर देख रहा था, लेकिन बुढ़िया आ गई पता नहीं कैसे, यार दिमाग खराब बिल्कुल। तो यहाँ से आवाज ले लेते हैं और बुढ़िया को बुला लेते हैं ऊपर। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ यार, इसे यहाँ पर छुप जाओ। सही बात है भाई, ग्रैनी गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे खेलना इतना आसान नहीं है। अब ये बुढ़िया नीचे चली जाए फिर हम जाएंगे और सबसे पहले वेपन की ढूंढने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये बुढ़िया हमें कुछ करने नहीं देगी। तो इसलिए पहले हम बुढ़िया को टपका देंगे और फिर ढूंढेंगे बाकी सामान। तो बुढ़िया अंदर चली गई है और हम चलते हैं भाई साहब। यहाँ पर उसने ट्रैप डाला होगा मेरे ख्याल से, ट्रैप नीचे डाला है उसने, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से अपना काम कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर मुझे वेपन की मिल चुकी है, क्या बात है यार, मेरी किस्मत देख रहे हो कितनी अच्छी है। तो फटाफट से अपना वेपन ले आते हैं हम यहाँ से, तो इसके अंदर चलते हैं हम और वेपन लेकर आते हैं फटाफट से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने वेपन के पास, तो यहाँ से अपना वेपन निकाल लेते हैं और पहले बुढ़िया को टपका देते हैं। आवाज हुई नहीं है फिलहाल, आवाज हम कर लेंगे अभी। आई थिंक मुझे नीचे चलना चाहिए फिर हम आवाज कर देंगे, ठीक है इधर चलते हैं। और तो फाइनली बुढ़िया आ चुकी है और अब हम इसे टपका देते हैं, आजा बुढ़िया। और येलो सूट, ओके हमने बुढ़िया को मार दिया, मर गई। ओके फाइनली यार बुढ़िया मर चुकी है और यहाँ से हम अपना वेपन ले लेते हैं। आजा वेपन यार, अरे आजा भाई, ठीक है हमने अपना वेपन ले लिया है और अब खड़े होते हैं फटाफट से। पहले हम वो गिरा लेते हैं, क्या कहते हैं, गैसोलीन होगा शायद ऊपर। ओके गैसोलीन है ऊपर और यहाँ से हम गैसोलीन गिरा लेंगे और फिर स्क्रू ड्राइवर भी खोल देंगे, शूट करते हैं। अरे यार केवल वही गिरा, गैसोलीन भी मुझे चाहिए होगा। आजा आजा, ओके ठीक है फटाफट से हम अपना गैसोलीन भी गिरा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मुझे शूट करना पड़ेगा, शूट हिम। ओके फाइनली यार हमारे गैसोलीन भी मिल चुका है और वेपन को उठा लेते हैं। वेपन को मैं नीचे फेंक दूंगा बिकॉज वेपन का काफी ज्यादा यूज है यहाँ पर, इस वेपन को यहीं पर डाल दो। और अब हम अपना गैसोलीन, नहीं मैं क्या करूं, मैं अपना पहले स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूं और यहां पर भी मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी, ये भी ले लेते हैं हम यहां से। यहां पर मुझे वैरेंज मिल चुका है, फटाफट से इस वैरेंज को नीचे फेंक देते हैं जो कि कार में लगेगा। इस वैरेंज को यहां पर फेंक देते हैं और मुझे क्या चाहिए था, और मुझे क्या चाहिए था, मैं भूल गया यार। अरे यार ट्रैप कहां से आ गया, ये इसे रिमूव कर दो फटाफट से। और अब हम ऊपर चलते हैं फटाफट से और ये, और यहां कहीं पर तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है यहां पर। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या चाहिए मुझे। मुझे कटिंग प्लायर चाहिए और कटिंग प्लायर पता नहीं कहाँ पर होगा, कटिंग प्लायर मुझे कहाँ मिल सकता है भाई। आई थिंक ग्रैनी जाग चुकी होगी अब तक। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ है, यहाँ से हमें कॉकविल मिला था और कॉकविल मैंने लगा दिया है वहाँ पर। और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर शॉटगन का पार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम वापस चलते हैं नीचे और नीचे से शायद मुझे कुछ मिल जाए। ओके हमें स्पेशल की मिल चुकी है, ये स्पेशल की नीचे ले चलते हैं और इसे ऊपर लगा देंगे गेट में। और मुझे अभी हैमर वगैरह भी चाहिए होगा और यहाँ से हमें कटिंग प्लायर भी मिल गया, बहुत बढ़िया। आई थिंक ग्रैनी जिंदा हो चुकी है और हम यहाँ से ये ले लेते हैं अपना वेपन। ओके अरे मैंने क्रॉसबो नहीं उठाई, क्रॉसबो उठा लेते हैं और यहाँ से अपना वेपन उठा लेते हैं। उठा ले यार, फाइनली वेपन भी उठा लिया हमने और अब ग्रैनी आती होगी नीचे। तो ग्रैनी आ चुकी है और हम इसे मार देते हैं और फिर हमें हैमर चाहिए होगा, ये टैंकुलाइजर उठा लो और इसे अभी हम यहीं फेंक देते हैं। और अब हम वो क्या कहते हैं, हैमर ढूंढने चलते हैं, हैमर पता नहीं कहाँ पर होगा। कार की थी हमारे पास, कार की मैंने कहाँ पर फेंक दी, कार की ये रही शायद कार की। अरे हट जा बुढ़िया, मुझे कार के लेने थे यार। अरे क्या कर रही है यार तू, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। ये रही कार की, ओके कार की ले ले ना। अरे बुढ़िया तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है कार की मुझे मिल चुकी है और
कार्की को लगाकर जाते हैं नीचे, नीचे लगाने चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। यहाँ पर हमें हैमर मिल चुका है, क्या बात है, फटाफट से ऊपर चलते हैं और लकड़ी हटा देते हैं वहां से और फिर मुझे वहां पर शायद कुछ मिले। तो ठीक है, हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें ये लकड़ी निकालनी है। ये प्लैंक ले लेते हैं और हैमर का आपको यूज नहीं है, इसे प्लेस कर देते हैं। और अब मुझे कटिंग प्लायर चाहिए, कटिंग प्लायर भी लेकर आते हैं फटाफट से। तो कटिंग प्लायर हमारा नीचे है, हम पहुंच चुके हैं अपने कटिंग प्लायर के पास और इस कटिंग प्लायर से हम वायर काट देंगे और फिर इसके बाद मुझे शायद वहां से कुछ मिले बढ़िया चीज। अब देखते हैं वहां पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या मिलेगा। बस मुझे कार की कोई चीज मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलती है तो कोई फायदा नहीं। फिलहाल मुझे देखना तो है ही कि क्या है वहां पर, तो इसलिए चलना पड़ेगा। तो फटाफट से हम चलते हैं भाई साहब। और यहां से ये टूट चुका है, सेफ की मुझे मिल चुकी है यहां पर, क्या बात है, सेफ की ले लो। और अब हम यहां से इसे खोल देते हैं, ये बंद हो जाता है पता नहीं क्यों। खुल जा भाई साहब, खुल जा। ओके फाइनली यार ये खुल चुका है और यहां से हम इसे फेंक देते हैं की को। एक तो की यार नीचे नहीं गिरती है, ये मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है भाई। नीचे गिर जा यार, ग्रहणी आ जाएगी यार, मैं क्या करूं, इसकी को कैसे फेंकूं नीचे। नीचे नहीं जा रही यार, मुझे इंजन पार्ट लेना है ना, इसीलिए मैं इसे नीचे फेंक रहा हूं। क्या बकवास यार, ग्रहणी आ चुकी है और भाई मेरी फटी। अब मैं क्या करूं, एक मिनट यहां पर बैठे रहते हैं और फिर भाग जाएंगे। ग्रहणी आ चुकी है भाई साहब और अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा। भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो, जल्दी से भाग लो यार, ये आ जाएगी फटाफट से। हम पहले इसे टपका देते हैं और फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। ये ले ग्रहणी, ओके फाइनली यार हमने ग्रहणी को एक बार फिर से टपका दिया है। और अब मुझे क्या करना था वहां पर, मैं भूल गया क्या करना था मुझे। हाँ इंजन पार्ट लेना था मुझे, तो फटाफट से इंजन पार्ट ले आते हैं और सेफ की ले आते हैं। वहां पर मैंने फालतू का टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया, तो यहां से मुझे सेफ की चाहिए थी और इंजन पार्ट चाहिए था। तो भैया निकल जाते हैं यहाँ से और यहाँ ये रहा इंजन पार्ट, इसे हम फेंक देते हैं यहाँ पर। ये ले भैया नीचे चले जाइए प्लीज़। ओके फाइनली यार हमारा इंजन पार्ट नीचे चला गया है और अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं गिरना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ठीक है, सेफ की मुझे मिल चुकी है और फटाफट से हम अपना सेफ खोल लेते हैं और फिर उसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है। अब ग्रहणी इतनी मुश्किल रही नहीं है मेरे लिए, पहले मैं ग्रहणी से बहुत ज़्यादा डरता था लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ ग्रहणी से। इसके अंदर हमें हैंडव्हील मिल चुका है और हैंडव्हील को हम नीचे लगा देते हैं जाकर कुएं में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुएं के पास और फटाफट से इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। पता नहीं क्या निकलेगा इसके अंदर, फटाफट से आ जा यार ऊपर, जो भी है इसके अंदर क्या है क्या है। ओके वाटरमेलन मुझे मिल चुका है, इस वाटरमेलन को निकाल लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। भैया इसके अंदर मुझे मिल चुकी है पैडलॉक की, बहुत बढ़िया, ये गैरेज वाले गेट में लगेगी। तो फटाफट से इसे लगा देते हैं जाकर गैरेज वाले गेट में और फिर हम ग्रहणी को टपका देंगे एक बार फिर से और फिर अपना आगे का काम करेंगे। तो फाइनली हम गैरेज के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये पैडलॉक की लगा देते हैं, ये लो पैडलॉक की, और इस शटर को खोल देते हैं लगे हाथ, ये शटर खुल चुका है। और अब हम ऊपर चलते हैं और ग्रहणी को एक बार टपका देते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो यहां पर ग्रहणी को जिंदा होने का टाइम हो चुका है और ग्रहणी आ भी चुकी है। भाई मैं डर गया, इसने डरा दिया मुझे। ओके जा 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 वापस जा वापस ना, अरे क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है तू, उठा ले प्लीज उठा ले। ओके फाइनली यार मिल चुका है मुझे ये डार्ट और अब हम इसे टपका देते हैं, आ जा बेटा। ओके फाइनली यार हमने इसे मार दिया है और अब हम ये स्पेशल की लगाने चलते हैं ऊपर और फिर इसे क्या कहते हैं स्पाइडर को भी मुझे मारना पड़ेगा, तो स्पाइडर को भी हम मार देंगे। तो मैं ऊपर आ चुका हूं और यहां पर ये स्पेशल की लगा देते हैं फटाफट से, ये स्पेशल की मैंने लगा दी है और यहां पर मुझे मीट भी मिल चुका है, क्या बात है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है भाई। तो मीट को ऊपर ले चलते हैं और स्पाइडर को खिला देंगे और फिर वहां से देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस मीट को रख देते हैं और फटाफट से चलते हैं भाई साहब लेने के लिए। ये रहा मेरा और इसके अंदर मुझे स्पार्क प्लग मिल चुका है, क्या बात है यार, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है आज भाई, जो जो मुझे चाहिए वो सारी चीजें मिल रही हैं, बड़े आराम से मिल रही हैं मुझे। मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ बस, इस वजह से थोड़ा सा अटक भी रहा हूँ। तो इसे हम कार में लगा देंगे जाकर, और इंजन पार्ट तो है ही हमारे पास और वेरिंज भी है हमारे पास और हम फटाफट से एस्केप कर सकते हैं बड़ी आराम से। तो पहले हम ये स्पार्क प्लग लगा देंगे और फिर इंजन लगा देंगे और फिर गैसोलीन कैन ले आएंगे जिससे कि हमारी पेट्रोल जो है वो भर जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा देते हैं, कैसे लगेगा स्पार्क प्लग भाई, स्पार्क प्लग लग चुका है और फटाफट से हम वो भी लेकर आते हैं इंजन का पार्ट। इंजन का पार्ट मैंने यहाँ पर फेंका था, ये मिल चुका है मुझे इंजन पार्ट और इसे भी लगा देते हैं जाकर। तो इंजन पार्ट भी हमारा लग चुका है और अब हमने क्या चाहिए, अब हमें गैसोलीन कैन चाहिए, गैसोलीन कैन भी लेकर आते हैं फटाफट से। तो ये रही हमारी गैसोलीन कैन और इसे भी हम कार में गड़ा देते हैं जाकर, यानी पेट्रोल भर देते हैं फटाफट से, पेट्रोल भरना है मुझे बस। तो हम डिक्की में पहुंच चुके हैं और यहाँ से पेट्रोल भर देते हैं फटाफट से। तो फाइनली हमारा पेट्रोल भर चुका है और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे वेरिंच चाहिए और वेरिंच है हमारे पास। तो फटाफट से हम ये स्क्रू भी टाइट कर देते हैं यहाँ पर और फिर मुझे एक बैटरी और चाहिए होगी बस। ग्रहणी जिंदा हो चुकी है और मुझे वेरिंच नहीं मिल रहा कहाँ। अच्छा मैंने वेरिंच को ऊपर डाला था, मुझे याद आ गया कि मैंने वेरिंच को ऊपर फेंका था।
वहाँ पर होगा बैरिंच, तो मुझे वैसे भी ग्रैनी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी को मुझे मारना है। तो फटाफट से यहाँ पर बैठ जाते हैं, क्रॉसबो उठा लेते हैं और ये डार्ट भी उठा लेते हैं। अब ग्रैनी आएगी फटाफट से भागते हुए, आ जा ग्रैनी। तो ग्रैनी आ चुकी है और अरे कहाँ जा रही है भाई, ये कहाँ जा रही है, तुम मर जा पहले। ठीक है फाइनली यार ग्रैनी को हमने मार दिया है और यहाँ से हम अपना ये बैरिज ले लेते हैं और अब फटाफट से चलते हैं नीचे अपने स्क्रू टाइट करने और फिर शायद मैं एस्केप कर सकता हूँ। अब मुझे बस कार बैटरी चाहिए और कार बैटरी मुझे पता नहीं कहाँ पर होगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से स्क्रू हमने सारे खोलने वाले हैं, बस थोड़ा सा और रह गए, ये भी खोल दो और ये भी खोल दो। फाइनली यार ये काम भी हो चुका है हमारा, और डिक्की बंद कर दो बिकॉज डिक्की का आपको यूज़ नहीं है। तो फटाफट से मुझे बैटरी चाहिए होगी और बैटरी मुझे पता नहीं कहाँ पर मिलेगी। बैटरी कहाँ पर हो सकती है भाई साहब, ये पैडलॉक की है, गैसोलीन कैन है, बैटरी कहाँ पर हो सकती है, पता नहीं कहाँ पर होगी बैटरी, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। अब मैं कहाँ पर ढूंढूं बैटरी को, इस वाले गेट के अंदर देख लेते हैं कुछ है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है यार। अब मुझे बस बैटरी चाहिए, बैटरी कहाँ पर होगी भाई, अब मैं कहाँ पर ढूंढूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अब मुझे बस केवल बैटरी चाहिए और बैटरी कहाँ पर होगी, अरे इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर बैटरी है और इसके लिए मुझे कौन सी की चाहिए, प्ले हाउस की। प्ले हाउस की कहाँ पर मिल सकती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि प्ले हाउस की कहाँ पर होगी। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे प्ले हाउस की कहीं पर भी नहीं मिल रही है और ग्रैनी को मार दिया मैंने। कहाँ पर हो सकती है भाई प्ले हाउस की, मुझे प्ले हाउस की तो चाहिए होगी। अरे यार ये ट्रैप और फंस जाता है बार बार, हमने ग्रैनी को मार दिया है। और अरे ये क्या चीज है, स्क्रू ड्राइवर, अरे हाँ हमने अभी स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं किया है तो स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, शायद मुझे इसके अंदर प्ले हाउस की मिल जाए, हो सकता है कि इसके अंदर हो, अगर मिल जाए तो काफी बात है। अगर इसके अंदर मुझे मिल गई तो देखते हैं भैया इसके अंदर क्या निकलता है, काश मुझे प्ले हाउस की मिल जाए भाई, प्लीज प्लीज। ओके फाइनली यार हमें मिल चुकी है प्ले हाउस की, क्या बात है। तो फटाफट से प्ले हाउस के पास चलते हैं और इसकी को यूज करते हैं। तो फाइनली यार हम प्ले हाउस के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इसे लगा देते हैं और इसे खोल दो और फटाफट से भैया अपनी कार बैटरी ले लो, यहाँ से कार बैटरी ले लो और ये बस मुझे कार में लगानी है और फिर समझो हमारी गेम खत्म। तो मैं कार के पास आ चुका हूँ और अब यहाँ पर मुझे ये लगा देनी है बैटरी को, ऐसे बैटरी लगा लो, डोनट बंद कर दो और बस हमारी गेम कंप्लीट होने वाली है। और अब मैं क्या करूँ, कार की ले लेता हूँ मैं, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ग्रैनी को सामने लेकर आया जाए और फिर उसे मार दिया जाए, या फिर छोड़ो यार खाली में हमारी गेम तबाह हो जाएगी। तो भैया कार स्टार्ट करते हैं रिवर्स और भैया, और अब मुझे आगे ले जाना है और ये ढाई से मारी और पीछे करते हैं और भैया और ये ढाई से मारी और एक बार और मुझे पीछे करनी पड़ेगी और अब ये दीवार टूट जाएगी। फाइनली यार दीवार टूट चुकी है और भैया हमने ये गेम भी कंप्लीट कर ली है। भैया ग्रैनी देखते रह गई बिल्कुल, ये कुछ नहीं कर पाई मेरा और दी एंड। बहुत मजा आया ये गेम खेलकर। ओके गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद जरूर आया होगा, मुझे बहुत मजा आया ये गेम खेलकर। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही नए नए धमाकेदार गेम प्ले देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।